हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संजय साहू आपके अपने चैनल स्टार सिटी अनूपपुर में आपका स्वागत करता हूं। IGNTU अमरकंटक के द्वारा कुछ अपडेट दिया गया है, उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार की लिस्ट अमरकंटक के तरफ से निकाला गया है, यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाला गया है, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा चैनल के बारे में बात करते हैं। स्टार सिटी अनूपपुर में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें IGNTU से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी स्टूडेंट तक, अपने सभी सहपाठियों तक इसको शेयर कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आज वीडियो में क्या है उसको हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या आया है, तो ये मेरिट लिस्ट नहीं आया है। दिस इज़ नॉट ए मेरिट लिस्ट, यह मेरिट लिस्ट नहीं है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिर यह क्या है, यह है क्या, क्या निकाला गया है, क्यों निकाला गया है, ये क्या है, देखते हैं IGNTU अमरकंटक के द्वारा जो दिया गया है। आइए वेबसाइट पे, वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको एडमिशन वाले सेक्शन पे जाना है, क्योंकि आप एडमिशन से रिलेटेड आपको नोटिस चाहिए। तो हम एडमिशन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो जो अपडेट आया है वो हमारे सामने आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हमने एडमिशन वाले सेक्शन पे ओपन किया और हमको ये नोटिफिकेशन मिला, ऑल एप्लीकेशन ऑफ UG PG प्रोग्राम इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो अभी जो लिस्ट निकाला गया है वो UG के लिए है, ओमनीबस लिस्ट, यानी कि ये सभी लोगों के लिए लिस्ट है। जितने भी एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं उन सभी का एक लिस्ट बनाया गया है और उसको जो है पब्लिश किया गया है कि सभी लोग देख लें कि उस पर्टिकुलर कोर्स में कितना सीट, कितने लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं बी फार्मा में, सबसे पहले हम चलते हैं और बी फार्मा में कितने लोगों ने अप्लाई किया है इस चीज़ को हम देख लेते हैं। और इसी प्रकार आप अपने कोर्स के बारे में क्लिक करके देख सकते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है और जैसे ही डाउनलोड होगा ये अभी ओपन हो जाएगा। तो आपको अपने कोर्स के हिसाब से खोल के देख लेना है और जो कोर्सेज के लिए अभी नहीं आया है वो अभी बाद में आएगा। तो देखिए क्या आया है, ओमनीबस लिस्ट। इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि जो समझने वाली बात है वो यहीं पास है। ये समझ में आ गया तो आगे आपको क्या करना है ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, ओमनीबस लिस्ट, लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट हु हैव सबमिटेड एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन द UG प्रोग्राम। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इनपुट और एडिट करेक्ट परसेंट ऑफ 12th क्लास ऑन बिफोर 2010-2020। इग्नोर इफ ऑलरेडी करेक्ट परसेंट हैज बीन एडिटेड। सेकेंड, इन केस ऑफ रॉन्ग परसेंट और ब्लैंक परसेंट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। थर्ड, फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन 2010-2020 इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आइए इसी को हिंदी पे देखते हैं। पहला, आवेदकों को 20-10-2020 तक या उससे पहले 12वीं कक्षा के सही प्रतिशत का इनपुट संपादन करना आवश्यक है। अगर पहले से ही सही प्रतिशत संपादित किया गया है तो अनदेखा करें। दूसरा, गलत प्रतिशत या रिक्त प्रतिशत होने पर आवेदक अस्वीकार कर दिया जाएगा। तीसरा, पहली मेरिट लिस्ट की घोषणा 22-10-2020 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में की जाएगी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या बातें कही जा रही है। आप पहले लिस्ट को देखिए, इस लिस्ट में क्या क्या दिया गया है। इस लिस्ट में जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी एप्लीकेशन डाले गए हैं, उन सभी का नाम दिया गया है। तो इस कोर्स में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं, उन सभी का नाम इसमें आया है। और जिन लोगों का इसमें परसेंटेज वाले कॉलम पे परसेंटेज नहीं दिया गया है या फिर जिनका गलत दिया गया है, उनको अपना एडिट करके उसको सही करना है। क्योंकि उसमें बोला गया है कि जिनका गलत होगा या फिर जिनका नहीं होगा उनको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनका जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना मेरिट लिस्ट के लिए आपको सबसे पहले इसको चेक करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं लगभग 1522 के आसपास
बी फार्मा में लोगों ने अप्लाई किया है। तो आपको इस बात को ध्यान रखते हुए आपको ये कदम उठाना है। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे अब हमें क्या करना है, मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो उसका तो आंसर मिल गया है, 22 तारीख को आएगा, 22 अक्टूबर को। क्या हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, क्या हमें कहीं और भी प्रवेश के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आपको जो है अपना परसेंटेज को चेक करना है, और अगर सही है तो ठीक है, कुछ कुछ नहीं करना है, और अगर गलत है तो उसको सुधारना है, और अगर उसमें परसेंटेज नहीं दिया है तो आपको परसेंटेज ऐड करना है, पहली बात। दूसरी बात, मेरिट लिस्ट 22 तारीख को आएगी, और जो आपको सुधारने का कार्य करना है वो 20 तारीख से पहले करना है, यानी कि आज 19 और कल 20। अगला है, क्या हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो आप अपने लिस्ट में देख सकते हैं कि परसेंटेज लोगों का कितना है, परसेंटेज के हिसाब से आप अपना अनुमान लगा सकते हैं, और सीट कितना है, जैसे कि इसमें अगर बात करें बिफारों में तो 60। अगला है कि क्या हमें और भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको अपना एक बैकग्राउंड बनाना है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं, और यदि आप हमारा व्यक्तिगत सलाह चाहते हैं तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको उसमें कमेंट करना पड़ेगा। और यदि आपका पर्याप्त कमेंट आता है और हमको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है, तो हम अपना व्यक्तिगत सलाह, अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देंगे कि इस एडमिशन में कितने सारे प्रॉब्लम आते हैं और क्या क्या होते हैं। तो वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को दो ही दिन है, और दो ही दिन के अंदर सभी की स्टूडेंट तक उसको पहुंचा दीजिए, क्योंकि यदि लेट हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यदि आप वीडियो को शेयर नहीं कर पाते हैं या फिर हमारा सहयोग नहीं करते हैं, तो फिर हम भी आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वीडियो आना बंद हो जाए। इसलिए आपको पर्याप्त सहयोग करना है हमारा, और हमें जिससे मनोबल मिलता है, और हम चाहते हैं कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सभी को सुविधाएं मिलें, सभी को इन्फॉर्मेशन समय पर मिले। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आगे आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने सुविधा के अनुसार अपने कमेंट कीजिए, हम आगे वीडियो लाते रहेंगे।